ना दिन हो ना रात, ना आंधी ना बरसात, ना थप्पड़ ना लात, तेरी याद ने अंगारों में चला कर दी। बताओ हाय अल्लाह। बोलो हाय हंगामा, कहाँ जा रहे हो तुम्हें? डर गए क्या काले से? अरे हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। जो कैसे पागलों से वास्ता पड़ा है कि शायर बेचारे का तो जीना ही हराम हो। खटमल शरीफ, आप भी मेरा खून चूसने के लिए यहाँ चले आए हैं? अगर मैंने भी आपका खून नहीं किया तो मेरा नाम भी जालिम सिंह नहीं। मगर जाइए, मैंने आपको माफ किया, जाइए जाइए। अब हुई ना बात कि भयानक रात, बिजली और बरसात, बात की बात में कि हीरो डाकू मान सिंह के कार में गाने का कार रेलवे कार फिल्म का और ड्राइवर का। मुसीबत है, घड़ी भर भी आराम नहीं करने देते। ये हालत की है, वो दोनों तुम्हारे माल पर ऐश कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं की तलाश में हूँ, मगर उनका कहीं पता ही नहीं चलता। उनको तो किसी क्लब या किसी कैबरे डांसर के यहाँ तलाश करो और उनके साथ साथ उनकी गैंग के एक एक मेंबर को खत्म कर दो।
खतरनाक जुर्मों का ये 16वां का दर्ज हो चुका है और अब तक इन 3 खतरनाक मुजुर्मों को हम गिरफ्तार करने में नाकाम है। इंस्पेक्टर जगदीश, हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है। चारों तरफ सख्त निगरानी कर रखी है सर, और कुछ आदमी भी मुकर किया जा चुके हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द वो 3 आदमी आपके सामने जिंदा या मुर्दा पेश किए जाएंगे। इंस्पेक्टर जगदीश। यस सर। आपके लिए खुशखबरी है। वेरी वेल सर। हेडक्वार्टर से एक नोटिस आया, अगर 1 महीने के अंदर हमने इन मुजुर्मों को गिरफ्तार नहीं किया तो हमें अपने ओहदों से इस्तीफा देना पड़ेगा। कुछ समझे आप? साथी ने अपनी जान को खतरे में डालकर इन हीरों को हासिल किया और दुश्मनों के होश उड़ा दिए। ये लीजिए वो हीरे। वेल डन मिस्टर रमेश।
शंकर, आज से मिस्टर रमेश को अपनी गैंग का खास मेंबर बना लिया जाए। मिस्टर रमेश, इस बात का ख्याल रहे कि ईमानदारी, लगन, सच्चाई हमारा असूल है। मैं जानता हूँ बॉस, इस तरह के गैर कानूनी काम करने वालों का यही असूल होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके विश्वास को भी ठेस नहीं पहुँचेगी। अब तुम जा सकते हो। लेकिन बॉस, क्या कहना चाहते हो? अंधेरों में काम करने वालों के दरमियान पर्दा नहीं होना चाहिए। या आप उजाले में आ जाइए या मुझे अंधेरे में बुला लीजिए। इससे क्या हासिल? मुझे यकीन हो जाएगा कि आपने मुझ पर भरोसा किया। देख लिया तुम? यस बॉस। अब इन्हें बाहर ले जाओ। लेकिन बॉस, जैसे मैंने कहा है अमल करो। ओके बॉस। राम सिंह, यहां क्यों आए हो? मैं तो घबरा ही गया था। यही तो मैं तुमसे कहने आया हूं मेरे भाई, जिस काम में घबराहट हो, जान का खतरा हो, उस काम को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? मैं ये बेकार बातें सुनने का आदी नहीं। श्याम सिंह, ये बेकार की बातें नहीं, मैं डरता हूं कि कहीं ये धोखे से कमाई हुई दौलत हमारे खानदान की इज्जत को मट्टी में ना मिला दे। इन हीरों की कीमत तुम जैसे जाहिल और गवार की अकल से कोसों दूर है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुमको गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता। अरे पगले, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी तो नहीं, पर ये चोरी और बेईमानी की दौलत की हमें क्या जरूरत है? इस दौलत में कितना नशा होता है तुम क्या जानो? तुम तो बैठे राम नाम जपा करो, राम नाम, समझे? क्या हुआ? सारा घर तलाश किया, वो माल तो यहाँ नहीं है। वो घर आया? नहीं। वो जब तक घर ना आ जाए तुम उसका इंतजार करो और देखो कि वो माल के साथ आता है कि माल के बगैर। ओके? ओके बॉस, ओके। Thank you.
हेलो, इंस्पेक्टर जगदीश स्पीकिंग। प्लीज फोन चीफ को दो। चीफ राउंड पर गए हुए हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कोड 303। हेलो रमेश, व्हाट न्यूज? एक खुशखबरी है इंस्पेक्टर, मैंने कामयाबी के साथ अपना काम पूरा कर लिया है और सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। कौन है बॉस? बॉस के दर्शन भी कर लिए और उसका नाम। हेलो हेलो, मैं डरी हूँ, सब कुछ लिखती है। चोर मत मचाओ। बताओ तुम्हारा बाप ने डायरी कहाँ रखी? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। जल्दी बताओ वरना तुम्हें भी तुम्हारा बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा।
मुझे आदमी तेरा पीछा क्यों कर रहा था? वो गुंडा। बताओ ना, क्यों पीछा कर रहा था? तुमने डैडी को गोली मार दी और मुझे डैडी के बारे में पूछ रहा था। पीछा को गोली मार दी। अरे मोहन भाई, अब इतनी जल्दी में किधर जा रहे? अरे बेटा राजू, तुम इतनी रात में इधर कहाँ? अरे चाबीला, ये रे भिड़ो का झांसा, वो लड़की मिली वो जल्दी में और ये लड़का मिला ये जल्दी में, पर इनको मालूम नहीं कि अपन सेकंड गियर अपना जाता चनी है, मगर मैकेनिक आदमी बहुत तरकीब से डाल देगा, ये भिड़ो का झांसा भी कमाल है बाबा। यहाँ रखो एम्बुलेंस। भैया मोहन, आई एम सॉरी मिस्टर मोहन, हमें लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन इंस्पेक्टर। धीरज रखिए, अगर आप हिम्मत हार गए तो इस बेचारे मासूम बच्चे का क्या होगा? राजू अंकल, डैडी मुझे छोड़ गए, डैडी मुझे छोड़ गए। रो नहीं राजू, मुझे कसम है माँ के दूध की, मैं अपने भाई के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रो नहीं। कत्ल करने के बाद कातिल ने राजू से बार बार किसी डायरी के बारे में पूछा था, उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इंस्पेक्टर, वो डायरी कहाँ है? मकान की तलाशी हो जाने के बाद सारी बात मालूम हो जाएगी। मगर कब? जरूर उस डायरी में कातिल के बारे में कुछ लिखा है, अगर वो डायरी उसके हाथ में लगे तो? मिस्टर मोहन, हम अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छी तरह समझते हैं, आप पुलिस की मामलात में दखल देने की कोशिश न कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर, जिसका खून हुआ है उससे मेरा खून का रिश्ता था और कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, कहीं वो बदमाश मेरे हाथ में लग जाए तो? ए बी मोहन, जज्बाती होकर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न कीजिए मिस्टर मोहन, यह खूबसूरत जंजीर तुम्हारे लिए लोहे की हथकड़ी भी बन सकती है। आप हथकड़ी की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर, मैं अपने भाई के कातिल को पकड़ने के लिए मौत को भी गले लगा सकता हूं। ए, तू कहाँ जाता है? मैं अपने भाई रमेश के घर में जा रहा हूँ। यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? जब तक पुलिस तहकीकात न कर ले तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता। बत्तीस सौ तुम्हारी जवाना की छुट्टी, तुम्हें जाओ। तमाम कमरे की तलाश लो और सुनो, डायरी मिलना ही चाहिए। बात अच्छी, चलो।
कौन हो तुम? ये क्या है? ला मुझे दो। हट जा। बॉस कौन है? बोल, बोल। मेरा बॉस। मर गया बेचारा। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और प्रेस फोटोग्राफर दोनों को इत्तला कर दो। मोहन, छुप जाओ छुप जाओ, यमदूत इधर ही आ रहे हैं। ए, रोको रोको। इस तरफ को वैन जब देखी? हाँ सर, बड़ी जोर से जा रही थी। जीप लाओ। उस्ताद लग गए काम पर, अब रात भर नहीं लौटेंगे। शाम से
पांडू कौन है बे? अरे बाप रे, ले भिड़ू का झांसा, ये तो मोहन है। चल बाप, बड़ी भूख लगे लिए, तेरे को होटल में चलकर पाया और लंबा पांव खिलाता हूँ। अरे इधर इधर। अरे ये तो मेरे को बुलाता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। आया बाप, आया आया। बोल बाप, बोल जल्दी बोल, बहुत भूख लगी बाप, जल्दी। बोल क्यों? राजू कहाँ? राजू? हाँ। राजू की तू फिक्र मत कर बाप, है मैंने अपने मसाले के साथ उसे तेरे घर भिजवा दिया है। चलो अच्छा हुआ, अब पुलिस मेरी तलाश में वहां जाएगी और राजू को अपनी हिफाजत में ले लेगी। ए बाप एक बात बता, पुलिस तेरी तलाश में वहां क्यों जाएगी? बात दरअसल ये है पांडू, ये डायरी तो मुझे मिल गई, मगर जिस गुंडे से मैं लड़ रहा था उसको उसी के आदमी ने कत्ल कर दिया और पुलिस मुझे कातिल समझकर मेरा पीछा कर रही है। बाप रे बाप। पांडू अब तू मेरे छुपने कहीं बंदोबस्त कर। ले भिड़ू का झांसा। अरे बाप तू घबराए लगाए को, तेरे छुपने की ऐसे जगह बताता हूँ, ऐसा बंगला बताता हूँ कि पुलिस तो क्या पर ऊपर वाला भी तुझे नहीं तलाश कर सकता। आजा आजा बाप आजा। चलो डायरी और राजू के बारे में शंकर को बताए। बस गजब हो गया, मंगू मारा गया और वो डायरी एजेंट का भाई ले गया और पुलिस उसको मंगू का कातिल समझ कर पीछा कर रही है। पुलिस मौका है वारदात पर पहुंच गई और मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अब हम सबके जहन में खतरे पड़ गए हैं, अगर उसने वो डायरी पुलिस को दे दी तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता बॉस, मैं एजेंट के लड़के को अपने कब्जे में कर लेता हूँ, फिर डायरी हासिल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। काम खत्म होते ही मुझे चला देना, समझे? सर मकतूल की लाश का कब्जा लेने अभी तक कोई नहीं आया और मुझे पूरा यकीन है कि कातिल एजेंट 303 का भाई मोहन है। आप कैसे कह सकते हैं? मेरे पास सबूत है सर, ये चेन मोहन का है जो मुझे मौका वारदात पर मिली और एक दिन उसने दावे के साथ कहा था कि मैं अपने भाई के कातिल से पता लेकर आऊंगा। तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लो और राजू को पुलिस की निगरानी में लाकर रखो, क्योंकि वो ही 303 के कत्ल का एक आई विटनेस है। राइट सर। ऐसा लगता है इनको किसी ने मारा है। फोन लेकर जल्दी जल्दी। मोहन और बच्चा कहाँ है? साहब अभी अभी गुंडा आया था, शायद वो उस बच्चे को उठा के लेके गया, उसे बचा लीजिए, जल्दी कीजिए। फिक्र मत करो पुलिस, कम ऑन। राज उसकी किस्मत जोरों पर है, बाजी पर बाजी मार रहा है। इजाजत हो तो कुछ हाथ दिखा दूं, जब से आया हूं फोकट की खाई। खबरदार, बेईमानी की तो जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते निकाल दिए जाओगे। सेठ से मैं निपट लेता हूं।
किताब पर लगा दे दुनिया है ताश का घर भगवान देश बना दे जो भी है पास तेरे किताब पर लगा दे दौलत का क्या है न ठहरे कभी एक ठिकाने अच्छा यही होगा कि मैं बदल दूं बहुत खूब बहुत खूब पचास हजार रुपए 50,000 की लिमिट है सेठ जी ओह थैंक यू तो बॉस अब जब हम ही दोनों रह गए हैं तो फिर आपस में लिमिट की क्या बहुत खूब 1,00,000 1,00,000 ये रहे 2,00,000 2,00,000 मेरे भी बॉस अब मेरा चेक चलेगा कैसे नहीं नेकी और बूझ बूझ 4,00,000 8 16 जिस तरीके से आप खेलते हैं सेठ जी मुझे डर है कहीं आपका दिवाला ना निकल जाए बॉस मेरा दिवाला क्या निकलेगा कहीं तुम्हारा होटल ना बिक जाए तो फिर शो कीजिए बादशाह 1,00,000 दूसरा बादशाह ये दूसरा भी 1,00,000 और अब तीसरा बादशाह ये तीसरा भी 1,00,000 सेठ जी चेक साइन कर दीजिए ये भी चलिए मैं ऑफिस में आपसे बात कर लेता कलेक्टर ने 50,00,000 रुपए का है और जुए में किसी पर इतनी बड़ी रकम का भरोसा करना महापाप है कुछ काम की बात करो सेठ मैं 4 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी ये तमाम रकम चुका दूंगा उन्हीं 4 दिन की मोहलत के लिए ये गारंटी है इस पर दस्तखत कर दो मैं आपके जुआ खेलने के स्टाइल से पहचान गया हूं
कि आप एक तजर्बेकार खिलाड़ी हैं और फिर लाखों का जुआ खेलना किसी अरे गरे के बस की बात नहीं। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरो का व्यापारी हूं, जिंदगी में लाखों का कारोबार किया है और तू ये रकम तो मेरे हाथ का मैल है। सेठ जी, एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी से हमदर्दी होती है। मैंने भी लाखों का माल उधर से इधर, इधर से उधर किया है। मेरा मतलब है हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। लेकिन मेरा धंधा तो ईमानदारी का है। ईमानदार तो मैं भी हूं, मगर दुनिया की नजर में। तुम कहना क्या चाहते हो? चंदनपुर की महारानी के पास एक निहायत खूबसूरत और कीमती हार है। हाँ, हो सकता है। कल वो महारानी उस हार को पहनकर एक बड़ी पार्टी में आ रही है। अगर वो हार मेरे हाथ में आ जाए तो मेरे और आपके दरमियान में जो तकाजा है वो दूर हो जाए। मिस्टर शेयर, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम एक बाइज्जत आदमी से बातें कर रहे हो। मैं झूठ फरेब चोरी डकैती को गुनाह समझता हूं। मुझे इन कामों से सख्त नफरत है, नफरत। सेठ जी, कुछ आप नाराज से हो गए? बस हम जाने दो, तुम्हारी रकम तुम्हें चार दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। यू आर वेलकम सर। तुम मोहन, एजेंट 303 का भाई। यहां क्या लेने आए हो? बदला। बदला मुझसे? उससे जिसने मेरे भाई का खून किया है या करवाया है। तो फिर यहां क्या धरा है? कातिल के पास जाओ। इसीलिए तो आपके पास आया हूं, क्योंकि उस डायरी के मुताबिक एक कानून के मुहाफिज ने चोर बनकर वो माल आप तक पहुंचाया, ताकि आपकी असलियत का पता चल सके, और असलियत का पता चल जाने के बाद उसका खून हो गया। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर श्याम सिंह, मेरे पास जो सबूत हैं उसके जरिए कानून तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मासूम राजू की आंखें अपने बाप के कातिल को पहचानने के लिए तरस रही हैं, और मैं अपने भाई के कातिल का सीना छन्नी करने के लिए बेताब हूं। बताओ कातिल कौन है? हेलो। हेलो बॉस, एजेंट के कत्ल के चश्मदीद गवाह इस वक्त मेरे कब्जे में। अगर हुक्म हो तो इसे मार डालो। मिस्टर मोहन, कातिल का पता लगाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? सुना है चंदनपुर की महारानी कल पार्टी में हीरो का बेशकीमत हार पहनकर आएगी। वो हार तुम मुझ तक पहुंचा दो। मैं तुम लोगों की तरह चोर नहीं हूं। चोर तो तुम्हारा भाई भी नहीं था। मिस्टर श्याम सिंह, मेरी बातों का सीधी तरह जवाब दो, वरना पहले अपने भतीजे से तो बात कर लो। हेलो राजू। अंकल, 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 तुम जल्दी आओ, ये वही बदमाश है जिससे मेरे डैडी का खून किया, अभी वो मुझे मारना चाहता है। जल्दी आओ अंकल, जल्दी आओ। राजू, कहां से बोल रहे हो तुम? राजू। ओह, तुम इतने भी गिर सकते हो, मुझे इसका इल्म ना था। इंसान अपने मफाद के लिए सब कुछ कर सकता है मिस्टर मोहन। मुझे अपने राजू को बचाने के लिए क्या करना होगा? अब है रास्ते पे, क्या करना होगा इसकी इतला तुम्हें मिल जाएगी। मेरे हाथ उस कीमती हार को पाने के लिए कानून की जद से भी आगे गुजर जाएंगे और सब देखते के देखते रह जाएंगे। मगर बॉस, ये काम इतना आसान नहीं है। न जाने वो हार कितनी ललचाई हुई नजरों का निशाना बना रहेगा। कुछ भी हो, मगर हमें ये सुनहरी मौका हाथ से खोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी हार की बदौलत हमारे मेडालियन वाले माल का नुकसान पूरा हो सकता है। हमें वो हार पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, और मुझे यकीन है कामयाबी का सेहरा भी हमारे ही सर रहेगा। इंस्पेक्टर जगदीश, सारा बंदोबस्त हो चुका है? जी हाँ सर।
पार्टी में चारों तरफ पुलिस के आदमी साय की तरह फैले रहे और महारानी से मिलने जुलने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। हाँ सर, मुझे यकीन है कि होशियार से होशियार मुजरिम भी वहां अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, वहां पे मैं एक मेहमान की हैसियत से जा रहा हूं। अगर हमारी मौजूदगी में वहां पे कोई हादसा हो गया तो आप बेफिक्र रहिए सर, मुझे यकीन है कि इस बार हमें नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए। मैं तो आप ही हजरात का इंतजार कर रहा था। बहुत खूब। राजकुमारी साहिबा। ओह हेलो, क्या आपके सारे मेहमान आ गए? जी, प्रोग्राम अभी शुरू होता है। आपसे मिलिए, आप शहर के मशहूर जौहरी मिस्टर श्याम सिंह, और आप, आपके दोस्त प्रिंस सलीम ऑफ पर्शिया। नमस्ते, हेलो, हाउ आर यू? माफ कीजिएगा, हमने आपका वक्त ज़ाया किया। चलिए। कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाइए ना। जी हाँ। आप शब्द व खेल दिखाने के लिए मुझे जरूरत है एक असिस्टेंट की। कोई नहीं आता तो मैं पैदा करता हूँ इस शब्द झंडे से तुम्हारी शब्द। अब मुझे अपना कमाल दिखाने के लिए 100 रुपए के नोट की जरूरत है, तो इसे आप 100 रुपए का नोट दे सकते हैं। अब ये खूबसूरत और रंगीन हार मैं राजकुमारी को पेश करता हूँ। नोट की देंगे? अब राव नहीं, यह तुम्हारा 100 रुपए का नोट। अब यार बना रहे यार, लो अभी कागज से नोट बना देता हूँ। देखो इसे कहते हैं आपके हमारे जादू रखे। एक खड़े हो, ये देखिए कागज से नोट, कागज से नोट आपकी दवाई और जादू रखे। चलो उत्साह दिन आज खाली, ये वही 100 रुपए का नोट जो आपने मुझे दिया था। धीरे धीरे वापस जाने लगा, 50,000 बचा लिया। राजकुमारी साहबा, आप चाहते इन अंगूठियों की तरह आपकी एक हार की दो हार बन सकती है। तो राजकुमारी साहबा, आप कहाँ जादूगरों की बातों में आ रही हैं? आप अपना काम करिए ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, Now let us get on the dance floor. राजकुमारी जी,
इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की शायद मुझे बेहोश करके मेरे सारे जेवरात ले गई। दिल हमारा के हीरे से कुछ कम न था, ओ दिल हमारा के हीरे से कुछ कम न था, दिल हमारा के हीरे से कुछ कम न था, कैसे माने के तुमने चुराया नहीं। दिल हमारा हमारा दिल हमारा, दिल हमारा के हीरे से कुछ कम न था, कैसे माने कि तुमने चुराया नहीं। हम तो कम सिन है नन्हे हैं नादान है, दिल चुराना मरते हैं हम, चुपके चुपके सदा आह भरते हैं हम, इतनी नाजुक हो छूते भी डरते हैं हम, आज इतना मगर अर्ज करते हैं हम। ओ भूख हड़ताल होए भूख हड़ताल, ओ भूख हड़ताल कर देंगे मानो अगर तुमने हमको गले से लगाया नहीं। लापता हो न जाओ कहीं इसलिए,
हमने दुनिया को अब तक बताया नहीं, लापता हो न जाओ कहीं इसलिए, हमने दुनिया को अब तक बताया नहीं, लापता हो न जाओ कहीं इसलिए, हमने दुनिया को अब तक बताया नहीं। हम तो कम सिंह नन्हे हैं, नादान है कि चुराना अभी हमको आया नहीं। ये दीवाने ना हमको जकड़ ले कहीं, अपना कातिल बता कर पकड़ ले कहीं। इश्क का क्या भरोसा सवारे में है, हैरियतिया से अभाग जाने में है। जिंदगी भर को हम फंस के रह जाएंगे, जिंदगी 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 भर को हम फंस के रह जाएंगे, अब अगर दिल से पीछा छुड़ाया नहीं। जिंदगी भर को हम फंस के रह जाएंगे, अब अगर इनसे पीछा छुड़ाया नहीं। जिंदगी भर को हम फंस के रह जाएंगे, अब अगर इनसे पीछा छुड़ाया नहीं। दिल हमारा के हीरे से कुछ कम न था, कैसे माने के तुमने चुराया नहीं। हम तो कम सिंह हैं नन्हे हैं नादान है, ये चुराना अभी हमको आया नहीं। हेलो, मैं मोहन बोल रहा हूँ। हार मेरे पास है, आप राजू को घर मंगवा लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम यहां मत आना, तुम मुझे रेती बंदर के पीछे वाले खंडर में आकर मिलो, राजू तुम्हें वहीं मिलेगा, और डायरी अपने साथ लेकर आना। मगर अंकल, अंकल, राजू, राजू, अंकल, खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, पहले वो डायरी और हार। काले डायरी, हार कहाँ है? हार डायरी के अंदर है। राजू, राजू, मेरे बच्चे, राजू। ये क्या? ये कीमती हार हम दोनों की जिंदगी उजली के सकता है। लेकिन बॉस, तकदीर और तकदीर दोनों में हरा है, पैसा हर पाप कुछ पाता है, ये डायरी जब तक हमारे पास नहीं, बात हमारा कुछ नहीं बना सकता। चलो भाग चले। शंकर, कम हियर। बॉस, आप यहाँ? गद्दारी मौत को दावत देती है, देख लिया? तुमने अपने ही आदमी के लहू से अपनी प्यास बुझा ली। श्याम सिंह गलत बातें सुनने का आदी नहीं। लाओ डायरी और हार मेरे हवाले कर दो। मत बोलो बॉस,
इस बेईमानी की कमाई में मेरा भी हिस्सा है। तुम्हारा हिस्सा? तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं काम में देर नहीं होना चाहिए। याद रखो, इस मासूम की जुबान से निकले हुए दो बोल तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका सकते हैं। आइंदा हिस्सा मांगने की जरूरत ना करना। राजू, राजू, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। चुपचाप राजू को मेरे हवाले कर दो, वरना। लेकिन 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 कुछ नहीं, मैंने आज फैसला कर लिया है, या तो मुझे राजू मिलेगा या तुम्हें मौत। हे राम, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। ये चाल नहीं, हकीकत है मेरे भाई। मैं बदनसीब राम सिंह हूं, श्याम सिंह का जुड़वा भाई, बिल्कुल अनपढ़ अपाहिज, दिन भर आड़ी टेढ़ी तस्वीरें बनाता रहता हूं। कुछ भी हो, मुझे श्याम सिंह से बदला लेना है, मैं फिर आऊंगा। सुनिए, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे जलील भाई ने आप पर कुछ जुल्म किया है। सुनना चाहते हो? मैं कानून की नजरों में एक चोर और खूनी बन चुका हूं, फिर भी मुझे मेरा राजू ना मिल सका। धीरज रखिए, मैं श्याम सिंह से कहकर आपका राजू आपको दिलवा दूंगा। ये कर सकेंगे आप? मैं कोशिश करूंगा। अगर आप अपनी कोशिश में नाकामयाब रहे तो श्याम सिंह से कह देना मैं ठीक 2 घंटे के बाद आऊंगा। अच्छा, क्या बात है बॉस? अब मुझे मालूम हुआ है कि मुंबई डायलैंड वाला माल किसने उड़ाया है। किसने? उस मक्कार श्याम सिंह। श्याम सिंह ने? हाँ, मगर वो तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, शहर के शरीफ आदमियों में गिना जाता है। शराब के पर्दे में वो एक मक्कार भेड़िया है। इसका मतलब है कि एजेंट के कत्ल करने में उसका भी हाथ था। एजेंट का कत्ल करके तो वो कानून की नजरों से बच सकता है, लेकिन मेरा माल लेकर वो जिंदा नहीं रहेगा। मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं। हेलो मिस्टर श्याम सिंह, बहुत से वायदे हो चुके हैं, अब मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। अगर आज शाम तक मुझे मेरी रकम न मिली तो तुम अपनी खानदान की बर्बादी के जिम्मेदार होगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा शेख साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। आज रात आप मेरे घर पर चले आइए, आपकी रकम चुका दी जाएगी। शाम, क्यों, क्या है? मोहन आया था अपने बच्चे को लेने के लिए, बड़ा गुस्से में था। अगर उस वक्त तुम उसके सामने होते तो वो तुम्हें मार ही डालता। वो बेवकूफ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरे कब्जे में बच्चा है। वो भी यही कह रहा था कि तुम्हारे होते हुए उसे अपना बच्चा ढूंढना पड़े। इससे तो बेहतर ये है कि वो तुम्हारा खून कर दे ताकि वो अपने बच्चे को आसानी से ढूंढ सके। शाम, मेरी मानो तो उसका उसका बच्चा वापस लौटा दो। शाम, मोहन कह गया था कि अगर 2 घंटे के अंदर अंदर उसको उसका राजू न मिला, हे राम, तो तुम्हें सुबह का सूर्य देखना नसीब ना होगा। अगर वह मुझसे टक्कर लेने की कोशिश करेगा तो उससे पहले उसका खून कर दिया जाएगा। अब तुम कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकते श्याम सिंह। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा ताकि तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल सके। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं ऐसा जरूर करूंगा।
हेलो, यस, पुलिस स्टेशन, मैं इंस्पेक्टर जगदीश बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं राम सिंह बोल रहा हूँ। आखिर बात क्या है? क्या बताऊं मैं आपको अपने छोटे भाई की करतूत। वो नालायक गैर कानूनी काम करने से बाज ही नहीं आता, और अब तो कोई उसे जान से मार डालने के लिए आ रहा है। राम जानी अब क्या होगा। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए इंस्पेक्टर साहब। श्याम सिंह गैर कानूनी काम करता है? अच्छा, मैं भी आया। वही हुआ जिसका मुझे डर। हे भगवान, ये तो क्या लीला है। हे भगवान, ये क्या हुआ। तूने आज मेरा आखिरी सहारा भी मुझसे छीन लिया। कातिल ने सेठ साहब को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है। आपको किसी पर शक है? हे राम, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ, मोहन नाम का कोई आदमी यहाँ आया था अपने बच्चों को लेने के लिए, और बच्चा न मिलने की सूरत में जान से मारने की धमकी दे गया था। मैंने लाख दिलासा दिया, लेकिन जालिम ने मेरे भाई को खत्म कर ही डाला। अब मेरा क्या होगा इंस्पेक्टर साहब। मोहन वाकई खतरनाक आदमी है, आप धीरज रखिए। होनी को कौन टाल सकता है। मैं लाश ले जाने का बंदोबस्त करता हूँ। होनी होनी श्याम भैया, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। मैं अकेला अपाहिज इतनी बड़ी दुनिया में कैसे जिंदा रहूंगा। सेठ जी घबराने की कोई जरूरत नहीं, कातिल को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भैया, ये रिपोर्ट मुझ तक पहुंचाते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। आई एम सॉरी सर, इस केस में मुझे बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। पोस्टमार्टम से पहले एम्बुलेंस को लाश के साथ बम से उड़ा देना बहुत बड़े माने रखता है। मैं पूछता हूं आकर पुलिस क्यों इन साजिशों का शिकार होती चली जा रही है। आप लोग, हेलो, यस सर, ओके सर। मिस्टर जगदीश, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि यह केस सीबीआई को दे दिया गया है, और हमें किसी भी वक्त मदद के लिए बुलाया जा सकता है। बी अलर्ट। क्या सोच रहे हैं आप? पांडू, क्या खबर लाया हो? बड़ी गर्मा गर्म खबर लाया ना बाप। करीमी होटल का मसाले वाला माल, कीमा, भेजा, जबान, भुनेला और कोरमा तो हंगामा बना है बाप। ये बेकार की बातें छोड़ पांडू, ये बता कि शंकर का कुछ पता चला? ना जाने बेचारा राजू किस हाल में होगा। अभी तू फिकर क्यों कर रहा है यार। अखा बंबई का टैक्सी वाला भाई लोगों को तेरा दुश्मन शंकर का फोटो दे दिए है। दारू का अड्डे वाला, जुगाड़ के अड्डे वाला भाई लोग अपना मदद करने को तैयार है। अभी जिधर तेरा दुश्मन जाएगा ना, उधर ही पकड़ लिया जाएगा, समझा। अभी जिधर फिकर छोड़ दे और जरा गर्मा गर्म खाना खा के दे, कितना अच्छा खाना लाया है तेरे लिए। मैं अंदर आ सकता हूँ?
आइए। आप? मेरा नाम शेख है और मैं ब्लू नाइल का मालिक हूं। इस डॉक्यूमेंट से आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं। तुम्हारे भाई ने 50 लाख रुपए मुझसे लिए। 50 लाख? हाँ, जिस रात श्याम सिंह का खून हुआ था उसी रात उसने मुझे बुलाया था और कहा था कि रकम लौटा दी जाएगी किसी हीरे के हार के जरिए। लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। या तो आप उस हार को वापस कर दीजिए जो आपके भाई ने इस घर में कहीं ना कहीं छुपाया हुआ है, या हो सकता है कि वो आप ही के पास हो। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तो फिर इतना याद रखिए, अगर 3 दिन के अंदर अंदर वो रकम नहीं लौटाई गई, आपकी सारी जायदाद नीलाम करा दी जाएगी और साथ साथ ठाकुर खानदान की इज्जत। हेलो, कौन? शेख साहब, आप कौन हैं? श्याम सिंह का हमराज। आप क्या चाहते हैं? चाहता नहीं बल्कि कुछ देना चाहता। क्या? एक राज। राज? कैसा राज? जिससे चंदनपुर की महारानी का हार तुम्हें मिल सका। आप कैसे जानते हैं उस हार के बारे में? मैं जानता हूँ, उसका राज मेरे पास है। अगर वो चाहिए तो आपको उसका दाम देना पड़ेगा। अगर वो राज सही होगा तो आपको दाम भी सही मिलेंगे। तो फिर कहाँ मुलाकात होगी? आज शाम को इसी होटल में, टेबल नंबर 6 आपके लिए रिजर्व है। तुम यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? जी जी जी, पेपर सेंड करवाना था। हीरो के राज के कागज के बारे में शेख से खून पर बात करने वाला शंकर ही हो सकता है। लो भीड़ो का छासा, अभी तेरे को अच्छा बम्बई का लोग शंकर नजर आ रहे हैं। पर मेरा शक से ही भी हो सकता है। ये मौका हाथ से खो देना बेवकूफी होगी। मैं वहां जरूर जाऊंगा। अरे पर जाएंगे तो जाएंगे कैसे? हर नाके पे तेरे वास्ते दो दो पुलिस वाला खड़े रहे। पुलिस पुलिस पुलिस, इस पुलिस के डर ने मुझे निकम्मा बना दिया। आज उस बदमाश को रंगे हाथों पकड़ूंगा। आज रात को 8 बजे टेबल नंबर 6 होटल ब्लू नाइल। वेरी गुड, वेल डन। अब क्या करना होगा? बस करना मुझे नहीं तुम्हें होगा। मुझे? क्योंकि वहां मेरी ताकत और चालाकी की जरूरत नहीं है, वहां तुम्हारी हुस्न की अदाओं की जरूरत है, इन नशीली आंखों के जादू की जरूरत है। ताकि इन नशीली आंखों से तुम उनको मदहोश बना लो और लूट लो और लूटने वाले को खबर तक ना हो। ओके, डन।
मैंने शंकर का खून नहीं किया, मैंने तो उसे उस लड़की के पीछे भागते हुए देखा था जो उसके हाथ से कागज छीनकर भागी थी। लो भिड़ो का झांसा, अपने खोपड़ी का तो गेर अटक गया है। अरे बाबू, अभी तू बोलता है कि शंकर वो छोकरी का पीछे उड़नचू हो गया था, तो फिर तेरा चाकू उसका पेट में कैसे घुसे रहता? नहीं नहीं, चाकू तो वही मेरे हाथ से गिर गया था जहां मेरी गुंडों से मुठभेड़ हुई थी। अभी तू मारे रहा है कि कोई दूसरा मारे रहा है, इससे अपने को कोई भानगढ़ नहीं। अपन तो ये सोच सोच कर सोच रहे रहा है कि शंकर तो मर गया, अब राजू को ढूंढेंगे कैसे? इसी चक्कर में अपन तो चक्रम हो गया बाबा। कोई चक्कर नहीं है पांडू, अब हमें सबसे पहले उस लड़की को पकड़ना चाहिए। या तो उसने वो कागज कब्जे में करने के लिए शंकर का खून खुद किया होगा, या खून होते हुए देखा जरूर होगा। ले भिड़ू का झांसा, अच्छा बोल रहे ना बाबा, अपन भी तेरे वास्ते वो छोकरी को किधर से भी ढूंढ के तेरे सामने लाके पटक देगा। जू चलो। ड्राइवर, मैंने जू चलने के लिए कहा था, कहां ले जा रहे हो? टैक्सी रोको। ये ले भिड़ू का झांसा, ये है मुशीला। अपन ने अपना काम पटा दिया, अब तू उसको पटा। अपन तो चला, राम राम। राम राम। शंकर का खून करके तुमने मेरी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। शायद तुम नहीं जानती कि वही एक ऐसा आदमी था जिससे मैं अपने मरहूम भाई के बच्चे को वापस ले सकता था, मगर तुमने तुमने किया। किसके लिए किया? खून मैंने नहीं किया। किसने किया? तुमने किया। खून का इल्जाम तुम पर है। ये झूठ है, तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझ पर लगाए हुए सारे इल्जाम झूठे हैं। शीला, मुझे सख्त होने पर मजबूर मत करो। तुम एक औरत हो, संसार को जन्म देने वाली औरत। औरत के दिल में दया होती है, प्यार होता है, ममता होती है। शीला, तुम उस मासूम बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो। मेरे लिए नहीं, उस नन्ही सी जान के लिए जो मेरी हमदर्दी, मेरा प्यार पाने के लिए ना जाने कहां तड़प रहा हूं। जो अपनी मदद आप नहीं करते, उनकी मदद खुदा भी नहीं करता। मोहब्बत और खुदा में फर्क मत समझिए। जी, क्या सूरज पश्चिम से कैसे निकल रहा है? सूरज कहीं से भी निकले, वो तो रोशनी और गर्माइश देने के लिए ही निकलता है। जी, तो आइए हम भी जरा गर्मी महसूस कर लें। डाली, एक कागज के पुर्जे के लिए आपने मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया, आखिर उसमें है क्या? शिराज की बात।
क्या हो शीला? तुम्हें तो अपने काम के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। शीला, तुम इसे काम कहती हो? मेरे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मनोहर ने बात टाल दी। टाल दी? अब वो क्या कर रहा था? चाय बना रहा था। बड़ी भोली, राज की बातें चाय के टेबल पर नहीं बताई जाती। मतलब? ओ, ये बात है। बरसात? अब कहाँ जाएंगे? ओ देखो, मगर इस वीराने में और रात भी अंधेरी होती जा रही है। डरो मत, जब हम हैं तो क्या गम है। शेर आ जाए तो? शेर से लड़ना तो आसान है क्योंकि वह धोखे से वार नहीं करता। घबराओ नहीं, शेर आपके पास नहीं आता। जान ही निकल गई थी। अब तुम्हारी जान हमारी जान है, इसकी हिफाजत हम करेंगे।
वो लोग तुम्हें जान से मारना चाहते थे। वो कौन? उनमें मनोहर भी था। छोड़िए इन सपनों की बातों को और हकीकत की तरफ आ जाइए। अगर मुझे राजू ना मिला तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं जान पर खेल कर भी वो कागज हासिल कर लूंगी। तुम मेरे फोन का इंतजार करना, अगर 4 बजे तक मेरा फोन नहीं आया तो तुम मनोहर के वहां आ जाना। मस्ती भरी शराब हो, खुमार हो, छलकता हुआ पैमाना हो और एक हसीन साथी हो, फिर और क्या चाहिए? फिर और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। शाबाश। नहीं, अब अपनी आंखों से पिलाओ। ये खत्म होने के बाद 4 तो बज गए, मगर आएगा आएगा अभी। आ गया आ गया। हेलो, क्या बोला? घसीटा हलवाई, ए भिड़ू, ए बाप, तेरा नंबर गलत लगे रहा है, अपना नंबर बदल जल्दी कर। मुझे एकदम जाम कर दो। तूने सच कहा है, आज हम अप हो रहे हैं। हम कभी डाउन हो रहे हैं, कभी अप हो रहे हैं, कभी डाउन हो रहे हैं, कभी अप हो रहे हैं। अभी तक फोन नहीं आया, मैं जाता हूं। लेकिन पुलिस बुलू, पुलिस पुलिस को छोड़िए। शीला, शीला, कागज जो तुम होटल से लेकर भागी हो? मुझे कुछ नहीं मालूम। कौन है वो जिसके लिए तुम काम कर रही हो? मैं किसी के लिए काम नहीं करती। अच्छा, डबल सैलरी पे मेरे लिए काम करोगी? नहीं। पांडू भैया रुको रुको। क्यों, क्या बात है? शीला को शेख और उसके आदमी जबरदस्ती उठाकर ले गए। ले भिड़ू का झांसा। कहां? मुझे मालूम है। अरे मालूम है तो अंदर बैठना बाबा, काय को बंकस कर रहे ला है। बंद करो यार ये बकवास। कहा उस्ताद ने जंगल में लाके बिठा दिया है। हुजूर, हुजूर। कौन है बे? हुजूर बजाता हूँ, जंगल में मंगल करता हूँ। तो खुशबूदार मंगल क्या करेगा? अरे हुजूर अगर कहो तो दंगल कर दूं। ऐसे पटाखे लाया हूँ कि तबीयत फड़क रह जाएगी। ये पटाखा या सुरसुरी? अरे हुजूर ये तो 7 बजाती है, काम तो कोई और दिखाती है। क्या काम? कौन हो तुम? हुजूर आपके आदमियों का दिल बहला रहा हूँ। ओ, दिल बहला रहा? अच्छा तो फिर हम भी अपना दिल बहलाएंगे, तमाशा करो। जरूर बहलाइए हुजूर। Thank you.
मुझे पकड़ने आया था बेवकूफ। यस बस। मोहन को हमारी इस डील का पता चल गया है, जब तक मैं तुम्हें ग्रीन सिग्नल दूं उसको यहां से मैं छोड़ूंगा। ओके बस। पुलिस यहां किसी वक्त भी आ सकती है, हमें यह मकान बहुत जल्द छोड़कर जाना है, समझ गए? मैं तैयारी करता हूं। समझा? अरे
मोहन भाई, आप लोगों ने यहाँ से एक तगड़ा पहलवान जैसा एक लंगड़ा और एक बच्चे को जाते हुए देखा है? ओहो, वो पहलवान अपना दोस्त है। पहलवान ने आ गया, बहुत बड़ा मैकेनिक है, बहुत बड़ा मैकेनिक। अच्छा, तो तुम उस लंगड़े के आदमी हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे आप किधर जाओगे? अरे 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 कहाँ ले जा रहे हो? इनकी नीयत खराब है, हवलदार पकड़ो इनको। के साथ? हाँ, मैं सीआईडी ऑफिसर शेख हूं। मुझे यकीन था कि आप बेगुनाह हैं। असली मुजरिम यह है और हमने आपको कातिल समझा ताकि असली मुजरिमों का पता चल सके। हम मिस शीला देवी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको वक्त पर इत्तला दी।